बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अगर तुझे चींटी की भांति नाम असल दिया तो मेरा नाम भुराल नहीं। यदि तेरा नाम भुराल है तो मेरा नाम भी भुचाल है, और जहां मैं जाता हूं वहां भुचाल आ जाता है। हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। यदि मेरे अकेले के आशीर्वाद से तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता तो मैं अवश्य तुम्हें आशीर्वाद देती थी, किंतु हनुमान तुम्हें सभी नवरूपों को प्रसन्न करना होगा। मैं माता के सभी नवरूपों को प्रसन्न करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें माते। तो सुनो, माता आदि शक्ति का दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी। यहाँ से ठीक 300 योजन दूर माता ब्रह्मचारिणी की तपोस्थली है। वहां जाकर तुम अपना अधिष्ठान चक्र अर्थात अपने जल शक्ति चक्र पर ध्यान लगाते हुए माता ब्रह्मचारिणी की स्तुति करोगे तो माता ब्रह्मचारिणी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देने अवश्य आएंगे। धन्यवाद माते। यशस्वी भव। मत रोइए माँ, बस बस 9 दिवस का ही तो विछोड़, तत्पश्चात मैं आपकी समक्ष आऊंगा। धैर्य रखिए माते। अब धैर्य नहीं होता, अब और धैर्य नहीं रख सकती मेरे पुत्र। तुम्हारे बिना ये तुम्हारी माँ निष्प्राण हो गई है। ऐसा ना कहे माते, यदि आप साहस छोड़ देंगे तो मेरा साहस तो समाप्त हो जाएगा। अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वो सफल होकर लौटे। हनुमान कैसे आ सकता है, मेरा पुत्र कैसे आ सकता है मेरे लाल। तुम यहां होते तो अपने हाथों से तुम्हारे मुख में निवाला डालते। तुम यहां होते तो अपने प्यार से तुम्हारे सर पे हाथ सहलाते, लोरी गाती और तुम्हें सुलाती। क्यों अपनी मैया को छोड़ के चले गए मेरे लाल, अपनी मैया को छोड़ के क्यों चले गए मेरे हनुमान। अगर ये मेरी परीक्षा है मेरे लाल तो मैं इसमें हार गई। अंजना, मैं हार गई मेरे लाल। अंजना, 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 मानता हूं माता का हृदय अपने पुत्र के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, किंतु इस प्रकार अधीर होकर आप हनुमान को कष्ट नहीं देगी? आप हनुमान को प्रसन्न देखना चाहती हैं और हनुमान हम सभी को, इसलिए उसका बल बनिए, उसकी शक्ति बनिए, उसकी दुर्बलता नहीं। नहीं स्वामी,
नहीं, अब और संयम नहीं होता हमसे। मुझे मेरा हनुमान ला दीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम धर्मात्मा। बोलो बालक। मैं यहाँ माता ब्रह्मचारिणी की साधना हेतु आया हूँ। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? माता ब्रह्मचारिणी के विषय में तुम्हें क्या ज्ञात है बालक? बस इतना है कि माता ब्रह्मचारिणी माता आदिशक्ति का द्वितीय रूप है और कल उनकी साधना का दिवस है। माता आदिशक्ति का द्वितीय रूप बनके माँ ब्रह्मचारिणी जब हिमालय राज के घर पैदा हुई थी तब उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से अपने पूर्व जन्म में सती होने का पता चला। उसी दिन से वो महादेव को अपने पति के रूप में पाने की कामना करने लगी। एक दिन की बात है, आपको क्या कष्ट है देवी? आप क्यों अश्रु बहा रही हैं? मैं अपने पुनर्जन्म के पति प्रभु महादेव के साथ पुनर्विवाह करना चाहती हूँ देवर्षि, किंतु महादेव से मुझे कोई उत्तर प्राप्त ही नहीं हो रहा है। देवी, महादेव तो अभी ब्रह्म समाधि में लीन है। तो ठीक है, मैं भी तब तक तपस्या करती रहूंगी जब तक महादेव स्वयं मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। उस दिन के बाद माता ब्रह्मचारिणी तपस्या में बैठ गईं और 100 वर्षों तक उन्होंने मात्र फल फूल खाकर महादेव की साधना की, किंतु महादेव उनकी साधना से प्रसन्न नहीं हुए। तत्पश्चात वो 100 वर्षों तक मात्र शाक खाकर शिव की साधना करती रहीं। 100 वर्षों के पश्चात माता ब्रह्मचारिणी ने उपवास रखकर खुले आकाश के नीचे शिव की साधना की। तत्पश्चात 3000 वर्षों तक वृक्षों से गिरे बेल पत्रों पर जीवन निर्वाह करती रहीं, शिव साधना में लीन रहीं। किंतु उनकी इस प्रकार की तपस्या पर भी जब देवाधिदेव शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तब माता ने कठोर निर्णय लिया। फिर निराहार और निर्जला उपवास रखकर तपस्या आरंभ की। जब उनके योग की शक्ति बढ़ते बढ़ते तीनों लोकों में फैल गई तो देवताओं में हाहाकार मच गया। स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। ऋषि मुनि उनकी सराहना करते हुए उनका गुणगान करने लगे। किंतु माता ब्रह्मचारिणी का ब्रह्मचर्य तप जब तीनों लोकों को भस्म करने लगा तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी ने देवी ब्रह्मचारिणी के समक्ष स्वयं जाने का निर्णय लिया, किंतु उनके तेज और ताप के कारण वे भी उनके पास नहीं जा सके। अंततः उमा, आंखें खोलो पुत्री, आंखें खोलो, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूं। तुम्हारे तप का ताप तीनों लोकों को भस्म कर रहा है पुत्री। क्षमा करे परमपिता, किंतु मेरी मनोकामना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। बहुत शीघ्र तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है पुत्री। अब साधना छोड़कर तुम कृपया अपने घर लौट जाओ और शिव के साथ अपने विवाह का संधान करो। सच परमपिता, मेरे पति, मेरे प्रभु मुझे लेने आएंगे? अवश्य आएंगे देवी, और शीघ्र ही आएंगे। उनके ब्रह्म समाधि से जागने का समय अब आ गया है। धन्यवाद परमपिता, धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह चार युगों तक घोर तपस्या करने के कारण माता आदिशक्ति का द्वितीय रूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ऋषिवर, जिस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु घोर तपस्या की थी, यदि मैं उसी प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करूं, तो क्या मेरे माता पिता और मेरे राज्य के निवासियों की नेत्र ज्योतियां वापस लौट आएंगी? कदाचित पुत्र, कदाचित। माता ब्रह्मचारिणी तो संयम, संरक्षण और सदाचार की देवी हैं। तो क्या आप मुझे माता की साधना विधि बता सकते हैं? अवश्य। तो सुनो, 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 सुनो भाइयों, सुनो। जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता, वो राजा कहलाने के योग नहीं है। या तो राजन हमारी आंखों की दृष्टि वापस लाएं, अन्यथा हम उनका बहिष्कार करेंगे। क्या आप लोग हमारे साथ हो? हाँ, बहिष्कार करेंगे। हम सब बहिष्कार करेंगे। हम उसका बहिष्कार करेंगे। हाँ, हम राजा का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। तो मेरे ऊपर अराजकता फैलने लगी है प्रभु, क्या करेंगे अब हनुमान? साधु के कथन अनुसार वो साधना की सामग्री लेकर आपके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आराधना करेंगे, और कदाचित वो आपसे आशीष भी। सुमेरु पर फैली हुई अराजकता को समाप्त करने की मांग करेंगे। किंतु प्रभु, साधना तो तब कर सकेंगे ना जब हनुमान को रुद्राक्ष मिलेंगे। साधु के कथन के अनुसार मुझे कमंडल बनाने हेतु एक सूखे हुए कद्दू की खोज करनी होगी। हम्म,
अब इस कद्दू को कमंडलुआ काट देकर मुझे गंगोत्री से गंगा जल भर कर लाना है। मुझे 108 एक मुखी रुद्राक्ष की खोज करके उसकी जटनी तैयार करनी होगी। जय श्री राम। शिव कमंडल और जल की व्यवस्था तो हो गई, किंतु अब मैं 108 रुद्राक्ष की माला कैसे बनाऊं? हिमालय पर्वत पर कल रात तक रुद्राक्ष के सभी वृक्ष हरे भरे थे, किंतु न जाने कैसे अब सभी के सभी वृक्ष सूख गए और हिमालय पर्वत पर एक भी रुद्राक्ष दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो रुद्राक्ष गए कहाँ? यह तो वांछना है देवी। नहीं प्रभु, यह तो हनुमान की बुद्धिमता की परख है। तो फिर मेरा आशीष सदैव हनुमान के साथ है। तो कहें प्रभु, अब क्या करेंगे आपके हनुमान? आप हनुमान के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं है देवी। देवी, आप स्वयं ही देख लीजिए हनुमान क्या करने जा रहे हैं। हे मेरे प्रभु श्री राम, मुझे 108 रुद्राक्ष का खोजने का कोई मार्ग बताएं, मेरी सहायता करें प्रभु। प्रिय हनुमान, आप मुझे याद करने के स्थान पर यदि अपने प्रथम गुरु सूर्य देव को याद करते तो कदाचित आपको इस परिस्थिति से उबरने का मार्ग अवश्य मिलता। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया, आपका धन्यवाद। मैं सूर्य देव से ही 12 आदित्यों का ध्यान करूंगा। ओम आदित्याय नमः। ॐ 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 आदित्याय नमः। हनुमान वत्स, अपनी आंखें खोलो, अपनी दुविधा कहो। गुरुजनों, मुझे माता ब्रह्मचारिणी की साधना हेतु 108 रुद्राक्ष की आवश्यकता है, किंतु न जाने किस कारण हिमालय पर्वत पर सभी वृक्षों के रुद्राक्ष अलोप है। यदि आप मेरी सहायता कर सके तो। हम समझ गए हनुमान, तुम चाहते हो कि हम 12 आदित्यों के पास नवग्रह संचालन हेतु दिए गए 108 रुद्राक्ष तुम्हें साधना हेतु दे दें। अस्तु गुरुवर, यदि संभव हो तो। संभव तो है हनुमान, किंतु। किंतु क्या गुरुवर? किंतु वो सभी रुद्राक्ष हम तुम्हें मात्र एक जप पूर्ण होने तक के लिए ही दे सकते हैं। तत्पश्चात तुम्हें वो सभी 108 रुद्राक्ष हम 12 आदित्यों को लौटाने होंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। ऐसा नहीं हो सकता, हनुमान मौलिक रुद्राक्ष कैसे मांग सकते हैं? देवी, अब हनुमान को
ब्रह्मचारिणी की साधना के लिए कहीं ना कहीं से रुद्राक्ष तो चाहिए ही था, और मौलिक रुद्राक्षों से अधिक शक्तिशाली भला कौन सा रुद्राक्ष होता है? पर ये तो छल है ना? नहीं देवी, जिसे आप छल कह रही वही तो बुद्धिमता है। मौलिक 108 रुद्राक्षों से जाप करने पर देवी आपको हनुमान के समक्ष जाना ही होगा। यदि उन रुद्राक्षों के द्वारा सही से जाप किया जाए तो साधु को साधक के पास जाना ही पड़ता है। हनुमान पहले उन रुद्राक्ष को बींद कर जपनी तो तैयार कर ले। तो कृपया मुझे रुद्राक्ष भेदने के लिए स्वयं और जपनी बनाने के लिए युगोपवीत मुझे दे दे। दान में मिली वस्तु से जाप सिद्ध नहीं होता पुत्र। यदि तुम अपनी साधना को सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें ये दोनों वस्तु कमानी होगी, या फिर अपने किसी वस्तु के साथ तुम्हें व्यापार करना पड़ेगा।